हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स का आप लोग का बहुत लंबे समय से इंतजार था, स्वाभाविक है एग्जाम पास आ गए। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स के नेक्स्ट चैप्टर पर एंट्री कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके बाद हम ऑप्टिक्स और कंटिन्यूअस सेकंड पार्ट के आपको एग्जाम से पहले आपको न्यूमेरिकल्स करा देंगे। ओके, देखिए ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, हैं वो भी कैलकुलेशन पर बेस्ड हैं। तो ये चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कहा जा सकता, आसान है। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ लंबे लंबे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं बस। तो देखिए हम इसके क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे इसी पार्ट पर, विद्युत चुंबकीय तरंगें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप लोग को पता है सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, आप लोग यहाँ बोर्ड से रीड करिए, आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप पैरेलल बुक को सामने रख के उसको पढ़िए और उसके बेस पर सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए चित्र यहाँ पर आपको क्वेश्चन में चित्र दिया हुआ है। चित्र में एक संधारित्र दर्शाया गया है, ये कैपेसिटर है, संधारित्र है जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों को, इसका जो रेडियस है वो रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर का रेडियस है इसका दोनों प्लेट का। प्लेटों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर इनके जो प्लेट का डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको रखा गया है, बनाया गया है। संधारित्र को एक बाह्य स्रोत, जो चित्र में नहीं दर्शाया गया है, बाहरी स्रोत से मतलब आउटर सोर्स से उसको जोड़ा गया है। आवेशकारी धारा नियत है और इसका मान 0.15 एम्पियर है। यहाँ पर जो करंट का वैल्यू है आई, वह 0.15 एम्पियर है, यह करंट हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये हमको कैलकुलेशन करना है। देखें पहला, धारिता एवं प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर, यहाँ पर मैं अभी इंग्लिश में आपको पढ़ के बताऊँगा, उसके बाद विभवांतर परिवर्तन की दर निकालना है। सेकंड बोलता है प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका वैल्यू फाइंड करना है। दूसरा, क्या किरचाफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, स्पष्ट कीजिए। तो दो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बी एक्सप्लेनेशन ओनली, पहला आपका न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन है। ओके, तो हमको सबसे पहले इसमें निकालना है धारिता। तो क्या करें, देखो फिगर्स और कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स। मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बाइलिंगुअल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको मालूम है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को एक साथ, इसलिए आपको स्टेटमेंट भी यहाँ पर बाइलिंगुअल लिखा हुआ है। सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाई 5 सेंटीमीटर, समझ गए होंगे आप। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाई एन एक्सटर्नल सोर्स, गिवन करेंट 0.15 एम्पियर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन डी वी बाई डी टी, ये आपको कैलकुलेट करना है। एंड सेकंड पार्ट इज ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट, डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना है। और नेक्स्ट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ वैलिड एट ईच प्लेट, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लें, हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन का यूनिट वगैरह अपन चेंज कर लेते हैं। डिस्टेंस दिया हुआ है, आई तो मैंने लिख दिया, डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर दैट इक्वल 5×10⁻²⁰ मीटर, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर दैट मीन्स 12×10⁻²⁰ मीटर। इसको हमने क्या किया, CGS को SI यूनिट में चेंज कर दिया। ओके, इसके बाद वन बाई वन अपन कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये पोर्शन मैं आपको
ओके, मैं नेक्स्ट साइड में आपको सेलेक्ट करके इसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, कैलकुलेशन को आप ध्यान देना। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, फिगर भी आप दिमाग में रखिए, इसके बाद हम कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन ये है, पहला कैलकुलेशन क्या है, मैं बुक से देखता हूँ क्या कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है धारिता, समांतर प्लस संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट कैलकुलेशन, सिंस C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये फार्मूला होता है, क्लियर। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अपन पुट अप कर देते हैं, पॉइंट 854, ये आपको ध्यान रखना है, 10 to the power -12, ये वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, ये पहले पुट कर दिया, एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, तो पाई का वैल्यू 3.14 और इंटू आर, आर दिया है 12 × 10⁻²। मैं बोला ना टोटल कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, 12 × 10⁻²² का होल स्क्वायर और अपॉन डिस्टेंस 5 × 10⁻²। अब ये सॉल्व करना है, मैं तो कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, बाकी आप लोग उसको मैनुअली करने का भी प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आप वैल्यूज को एक साथ लिखो, 3.14 × 10⁻½, 10 को अपने को पहले सॉल्व करना चाहिए, ये माइनस 12 है, माइनस 4 होगा तो हो जाएगा माइनस 16 और 2 उसके साथ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10⁻¹⁴, ये ऊपर जाके ऐड हो गया और अपॉन 5, क्लियर। ठीक, अब इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं सॉल्व, कितना आएगा देखो, 12 − 4 + 16 ना, 10⁻¹⁴, 8.854 × 3.14 × 12/5, 12 का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो रहा है तो 144। होगा 12 का भी स्क्वायर है तो ये सॉल्व कर लो, 8.01 × 10⁻¹⁴, 8.01 × 10⁻¹⁴, ये आएगा फैराड, क्लियर। ये इसका आंसर है, −14। टोटल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, इसको आप पीको फैराड भी लिख सकते हो, 10⁻¹⁴ को पीको फैराड लिख सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में आंसर पीको फैराड के फॉर्म में दिया है, 8.01 pF, ये हो गया इसकी कैपेसिटी। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, विभव प्रवाह की दर, विभव प्रवाह की दर क्या होगा, ये हमको करना है। देखो सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करता हूँ मैं यहाँ पर विभव प्रवाह की दर, इसका सेकंड पार्ट। विभव प्रवाह की दर निकालने के लिए हमको क्या करना है, चार्ज Q इक्वल टू सी इंटू वी, सिंस Q इक्वल टू सी इंटू वी, इसको डिफ्रेंशिएट करो, पहले हम फार्मूला बना लेते हैं विभव प्रवाह की दर के लिए, टाइम के लिए के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, देयरफॉर ये है विभव प्रवाह की दर, विभव प्रवाह की दर मतलब डी वी बाई डी टी, तो इसको वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो डी वी बाई डी टी और हम स्वीप इधर ट्रांसफर करते हैं, ये डी क्यू बाई डी टी आई बन जाएगा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और अपान सी, ये विभव प्रवाह की दर निकलेगा। तो करेंट का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है कितना, 0.15 एम्पियर, और कैपेसिटी हमने यहाँ पर निकाल लिया, ये 8.01 × 10⁻¹⁴, दैट इक्वल, इसको सॉल्व करें, 14 तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 0.15 में 8.01 को डिवाइड करो, 8.01 एक मिनट, ये कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया क्या मैंने, पीको मतलब 10⁻¹² होता है ना,
3.14 पाई आर स्क्वायर 10^-14। एक सेकंड ना, लेंदी कैलकुलेशन है। 8.854 इंटू 3.14 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 5.8। थोड़ा सा कैलकुलेशन को चेंज करता हूँ यहाँ पर मैं, इसका जो वैल्यू है इतना आएगा। आप लोग का एग्जाम में आने से इसको आपको मैनुअली करना है। 800.68 के नियर अबाउट आता है ये, और इनटू 10^-14 इतने को सॉल्व करोगे। इसको हम 8. इसको हम 1 लिख सकते हैं। 8.01 इंटू दो डेसिमल हटाएंगे 10^-12 आएगा, तब हम लिखेंगे इसको 8.01 पीको फैराड। ये फैराड क्योंकि -12 पीको फैराड होगा ना, -14 नहीं होता। ये इसका कैलकुलेशन एग्जैक्ट आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर टेन टू दी पावर माइनस 12 आएगा, तो ये ऊपर जाके 10^+12 हो जाएगा। और 0.15 में 8 को डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 8। मैं तो कैलकुलेटर के हेल्प से ही कर रहा हूँ, आप लोग मैनुअली प्रैक्टिस करना। 0.018 दैट इक्वल टू डेसिमल इधर हटा दें तो 1.8 इंटू 10^12 ये हो जाएगा 10। ओके, ये 1.8 10^10 ये इसका आंसर होगा। एनसीईआरटी में 18.7 ठीक है, नियर अबाउट उतना ही आएगा। ये है आवेश प्रवाह की दर, यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट पर सेकेंड। ये हो जाएगा विभव प्रवाह की दर, सॉरी dv/dt। ओके, क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन को थोड़ा सा केयर करना, आप लोग मैनुअली करने का कोशिश करना। मैं तो कैलकुलेटर से कर दिया, डेसिमल के प्लेस तक मल्टीप्लाई, लेंदी वर्क। हालांकि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही नहीं। जो लेंदी कैलकुलेशन है वो IIT JEE नीट में क्वेश्चन में नहीं आते, वहाँ तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक चांस रहता है कि कोई क्वेश्चन दे दे, तो टाइम टेकन तो होता है, लेकिन आप उसे इस तरह से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, विस्थापन धारा के बराबर है। तो इसका आंसर आप ध्यान रखना, ये जो डिस्प्लेसमेंट करेंट है इसका बी ऑप्शन, ये जो डिस्प्लेसमेंट करेंट है I, वह I के इक्वल होता है, तो विस्थापन धारा के बराबर होगा। आगे मैं उसको आपको डिराइव करके ही बता दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसका जरूरत पड़ेगा अपने को। और सी बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या यह किरचॉफ के नियम को फॉलो करता है, तो निश्चित रूप से करता है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल करेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट करेंट और उसमें जितना करेंट है उसके दोनों के सम के इक्वल होता है, तो यह किरचॉफ के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका आंसर यस होगा। यस, ये किरचॉफ के नियम का पालन करता है और विस्थापन धारा उसमें प्रवाहित धारा के बराबर होता है। और दो आंसर है इसके, एक इसकी कैपेसिटी का, ये है आंसर नंबर फर्स्ट, और दूसरा आंसर है इसका dv/dt। तो टोटल कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी फिगर पर बेस्ड है, यहाँ पर फिगर हमने बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर NCERT के क्वेश्चन है सब। एक समांतर प्लेट संधारित्र r = 6 cm, इसका रेडियस दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन की तरह है, 6 cm है। दो वृत्ताकार प्लेटों से बना है और इसकी धारिता 100 pF है। संधारित्र को 230 V 300 rads/s की कोणीय आवृत्ति से किसी स्रोत से जोड़ा गया है। तो इसमें तीन क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, ABC। पहला, चालन धारा का RMS मान, IRMS पूछा है। सेकंड, क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर, प्रूफ करेंगे पीछे का जो क्वेश्चन, यहाँ प्रूफ कर दूंगा मैं कि ये जो
जो करंट फ्लो होता है वह डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वल है क्या, और प्लेटों के बीच 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु बी पर आयाम ज्ञात कीजिए। ये तीन क्वेश्चन है, तीन कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में देखिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज ए कैपेसिटेंस 100 पिकोफेराड। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई विथ ए रेगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकंड। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। आंसर तो यस ही है, लेकिन यहाँ पर हम प्रूफ कर देंगे उसको। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट। ये इसके प्लेट के बिटवीन से यहाँ पर एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर 3 सेंटीमीटर पर। ओके, तो 3 सेंटीमीटर पर क्या करना है हमको, उसको कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए इसका, इसकी या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट पेज में जाके मैं वन बाय वन इसके एक एक पार्ट को कैलकुलेट करते जा रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट तो हमारा साइड चला जाएगा, एक बार ध्यान दिख लीजिए। मैं बुक से रीड करके उसको एक एक स्टेटमेंट को आपको बताऊँगा, क्योंकि स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। या तो बुक से आप देखिए स्टेटमेंट, एनसीईआरटी का बुक आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, दोनों मीडियम वालों के पास। और जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करते हो मेरे साथ, तो आप सामने एनसीईआरटी के बुक को रखिए, उस स्टेटमेंट को पढ़िए और साथ में करिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज में जाना होता है तो स्टेटमेंट तो पीछे चला जाता है, ठीक है। मैं तो बुक से रीड करूँगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र में हमको गिवन क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं गिवन वैल्यूज़ को लिखते हैं। देखो, पहला काम हमारा होता है गिवन वैल्यूज़ को लिखना, ये आप सभी चैप्टर में देखते आ रहे हैं। न्यूमेरिकल करने का पहला तरीका है, स्टेटमेंट को आप बहुत ध्यान से समझो, फिर क्वेश्चन में जो गिवन है वो वैल्यू को लिखो। तो क्या क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में, सबसे दिया है रेडियस, उसका जो सर्कुलर प्लेट दिया उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दैट इक्वल पर 6 × 10⁻²⁻² मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.06 मीटर भी लिख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से पुट करेंगे, ठीक है। सेकंड गिवन हमको दिया है इसका सी 100 पिको फेराड। अभी मैंने आपको बताया पिको फेराड मतलब हो जाएगा 10⁻²⁻², ये फेराड हो जाएगा, ठीक है। फेराड में चेंज करेंगे अपन इसको, पिको फेराड में इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आगे हम और सॉल्व कर दें तो 2 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो 10⁻²⁻ फेराड हो जाएगा, 20 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद दिया हुआ है इसका वोल्टेज V इक्वल टू 230 वोल्ट, ये है गिवन का लिस्ट बना लो सबसे पहले। फिर हमको क्या दिया है उसका कोणीय आवृत्ति ओमेगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 300 रेडियन पर सेकंड। ये आपके गिवन वैल्यूज हैं, ये मैंने जो रेड इंक से लिखा हुआ है, ये सब क्वेश्चन में हमको जो दिया है वो गिवन है। अब हमको निकालना है सबसे पहले धारा का शिखर मान, मतलब IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करेंट। फर्स्ट कैलकुलेशन IRMS, तो IRMS इक्वल टू हो जाएगा VRMS, और कैपेसिटर है यहाँ पर, कैपेसिटर यूज किया गया है, तो यहाँ पर उसका जो वैल्यू होगा रेजिस्टेंस वो XC होगा, ये कहलाता है उसका प्रतिघात रिएक्टेंस, तो वो उसका प्रतिरोध है, ठीक है। तो IRMS इक्वल टू VRMS अपन XC होगा, फार्मूला ध्यान रखेंगे, ओम्स लॉ से ही है, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस। लेकिन जिस सर्किट में आपने LCR सर्किट में पढ़ा है कि जिस सर्किट में हम कैपेसिटर यूज करते हैं उसके रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ना करके हम रिएक्टेंस कहते हैं, हिंदी में प्रतिघात कहते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि हमको XC का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो अलग से हम XC का वैल्यू निकाल लेते हैं और इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। तो चूंकि हमको पता है XC इक्वल टू होता है 1/ωC, ये 1/ωC होता है, दैट इक्वल 1/ω का वैल्यू, ओमेगा हमने ये देखो क्वेश्चन में गिवन है 300, ओमेगा इज 300 × C, कैपेसिटर कितना दिया हुआ है 10⁻¹० फैराड, 10⁻⁻¹० फैराड, दैट इक्वल यहाँ पर 10 का हो जाएगा इसके साथ 20, तो इंटू ये हो जाएगा 10⁻¹, या फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे,
क्यों? क्योंकि हमको आगे उसका वैल्यू पुट अप कर देना है यहाँ पर। ओके यहाँ पर वैल्यू पुट अप करते हैं, तो देयर फॉर आई आर एम एस टोटल चैप्टर के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड है। बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ फार्मूला और बड़े बड़े कैलकुलेशन। वी आर एम एस, तो वी आर एम एस का वैल्यू अपने को पता है कितना, 230 वोल्ट ही है ना। वी आर एम एस दिया है 230 वोल्ट, ये आर एम एस वैल्यू है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है आर एम एस वैल्यू होता है। हो गया 230 अपान इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू 300, एक्स सी का वैल्यू है ये, तो एक्स सी का वैल्यू 1 अपान हो जाएगा। देखो 1 के अपान में है ये, तो सभी वैल्यू क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ऐसे ही पुट कर दूं, चलिए एक बार मैं वैल्यू को पुट कर देता हूं, फिर सॉल्व करूंगा। 1 अपान 300, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन किसका, एक्स सी का, तो 1 अपान ओमेगा सी, तो 300 × 10⁻¹⁰, दैट इक्वल, ये ऊपर चले जाएंगे दोनों, तो 230 × 300 × 10⁻¹⁰ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो हो जाएगा ये 69 × 10⁻¹⁷। ये पूरा ऊपर चला गया ना, अच्छा ये तो माइनस रहेगा, तो 2 0 2 1 3 0, तो 23 × 3 23 × 3 69, ये 23 का 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 69 × 10⁻¹⁰, ये 2 0 1 2 3 0, तो −7 ये हो जाएगा। या इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें, तो 10 इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो 6.9 × 10⁻¹⁶ होगा, जिसको हम माइक्रो एम्पियर कह सकते हैं, 10⁻¹⁶ तो माइक्रो एम्पियर कह सकते हैं, या एम्पियर में भी कह सकते हैं। ये इसका वैल्यू हो जाएगा किसका, आई आर एम एस का वैल्यू, ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये आंसर है इसके करेंट का, आई आर एम एस, देख लें एक बार आंसर क्या दिया है, 6.9 माइक्रो एम्पियर, 10⁻¹⁶ है तो उसको हम माइक्रो एम्पियर कह सकते हैं। ये हुआ पहला आंसर। ओके नेक्स्ट, विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर है, तो हाँ वो तो होता ही है, पिछले क्वेश्चन में हमने उसको आपको बताया भी था, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करते हैं उसको। चलो पहला आंसर क्लियर, ये सेकंड देखो, बी क्या विस्थापन धारा जो सप्लाई करंट है उसके बराबर है, तो आई डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, पिछले फंडामेंटल वाले क्लास में आपको बताया था डी फाई ई बाई डी टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होता है, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। अब इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करके इसको आई के इक्वल पुट करना है, प्रूफ करना है, दैट इम्प्लाइज आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और फाई का वैल्यू, ठीक है, फाई का वैल्यू क्या होता है, ई इंटू ए, ई डी एस कॉस थीटा होता है, तो ई यहाँ पर एस को मैं एरिया ले लूँ तो ये हो जाएगा ई इंटू ए, डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए, ये हमने फाई का वैल्यू पुट अप कर दिया, दैट इम्प्लाइज आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए तो एरिया है, तो एरिया तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इम्प्लाइज आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है दो प्लेट के लिए, वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसको हम क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, फार्मूला अलग से लिख दूं मैं यहाँ पर, यहाँ रेडिंग से मैं अलग से फार्मूला लिख रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो समांतर प्लेटों के लिए होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल ई इक्वल टू सिग्मा का जो वैल्यू होता है, ठीक है, मतलब आवेश घनत्व जो होता है वो क्षेत्रफल और डेंसिटी के अनुपात के बराबर होता है,
या इस तरह से आपने गॉस के थ्योरम में पढ़ा है, आपको याद होगा चार्ज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ए, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, या सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपान एरिया। तो इस फार्मूला को हम यूज कर दें सिग्मा के लिए, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होगा, ठीक है, तो हो जाएगा क्यू अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया को हमने ए ही लिया है ना, तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट होगा। कभी कभी एरिया को हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी, तो यहाँ पर हम यहाँ ए लिए हैं तो वही लेंगे। तो ये फार्मूला है चार्ज डेंसिटी का, इसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ध्यान देना, ये एक डेरिवेशन है, एक्चुअल में फार्मूला डेरिवेशन है, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ई का वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला जो रेडिंग से लिखा उसको मैंने यूज़ किया, दैट इम्प्लाइज आई डी इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ए एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ द चार्ज, दैट इम्प्लाइज यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है करेंट होता है, तो देयर फॉर आई डी इक्वल टू आई, ये प्रूफ हो गया कि डिस्प्लेसमेंट करेंट जो होता है वो करेंट के इक्वल होता है। तो ये एक नॉर्मल क्या है फार्मूला डेरिवेशन है, क्वेश्चन का पार्ट में दे दिया है इसको, इसको नहीं प्रूफ करोगे जैसे पहले क्वेश्चन में बताया यस तो आप यस लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वह उसके अमाउंट ऑफ करंट के इक्वल होता है। ये इसके डेरिवेशन के स्टेप है, और इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ध्यान देना ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला लिया, इसके बाद फ्लक्सों की संख्या नंबर ऑफ फ्लक्स को ई इंटू ए लिखा, फिर ई और ई के वैल्यू को हम यहाँ से दो समांतर प्लेट के लिए लिख के उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, ये तो प्रूफ हो गया कि जो विस्थापन धारा है डिस्प्लेसमेंट करंट है वो अमाउंट ऑफ करंट के इक्वल होता है। ओके, ये मैं मिटा देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है, ये तो लिखे रहने देता हूँ, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कई कई पार्ट में तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये रहता है कि एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन एड करके देता है, लेकिन ठीक है उससे आपका पूरा उस पर बेस्ड सभी तरह के क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन के सी पार्ट, प्लेटों के बीच अक्ष से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सी पार्ट, यहां गिवन है अक्ष से उसकी दूरी, मतलब फिगर में आपको बताया था कि उसके अक्ष में एक प्लेट से 3 सेंटीमीटर दूरी पर, तो R का डिस्टेंस दे दिया या D कह सकते हैं उसको, यदि हम D मान लें तो D इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दैट इक्वल 3 × 10⁻², दैट इज 0.0। देखिए यहाँ C पॉइंट में हमको पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आयाम, तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें हमको D की ज़रूरत, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको अपन R सपोज कर लेते हैं, सपोज मतलब एक ही है, फार्मूला में जनरली हम R यूज़ करते हैं, तो R दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिए, और रेडियस दिया हुआ है जो डिस्क मैंने आपको चित्र में स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया है, उस डिस्क का रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, दैट इक्वल 6 × 10⁻², या 0.06 मीटर। ये अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको बताऊंगा, एक नया फार्मूला, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स फ्रॉम आर डिस्टेंस, वो फार्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π स्मॉल r इंटू आई अपॉन r स्क्वायर, ये होता है r डिस्टेंस पर यदि प्लेट का रेडियस r हो, ये एक न्यू फार्मूला है आप लर्न करके रखना, तो म्यू नॉट अपॉन 2π r इंटू आई, ये होता है यहाँ पर i क्या है उसका अप्लाई मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट करंट है जिसको हम i rms करंट में चेंज करना चाहें, तो दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2π r इंटू, इसको लिख सकते हैं √2 × i rms, और ये हम निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू हम पुट अप कर देंगे r स्क्वायर, दैट इक्वल यहाँ पर देखो म्यू नॉट अपॉन 4π लिखने से उसको हम 10⁻⁷ लिख सकते हैं,
तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें इस फार्मूला को, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू आर इंटू रूट 2 आई आर एम एस अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्म में है, इस फार्मूला को चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद इसका हम वैल्यू यहाँ पर पुट अप करें। कैलकुलेशन पर बेस्ड है क्वेश्चन कंप्लीटली। दैट इक्वल इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को 10^-7 इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है 0.03 इंटू रूट 2 का वैल्यू लिख सकते हैं 1.414 या रूट 2 का वैल्यू होता है। आई आर एम एस का वैल्यू हमने पीछे से निकाला है ना, IRMS का वैल्यू है 6.9 × 10^-6 6.9 × 10^-6 पीछे कैलकुलेट किया है इसी क्वेश्चन में। और आर स्क्वायर, आर का डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है ये, दैट मीन्स 0.06 का होल स्क्वायर। अब इतना लेंदी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में बताया इस चैप्टर के बहुत से न्यूमेरिकल्स बहुत लेंदी, इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कभी कॉम्पिटेटिव में आते नहीं, लेकिन अभी आपको चैप्टर पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए इसको तो मैं सॉल्व करके आंसर बता देता हूँ आपको। -7, -6, -11 तो ये हो जाएगा है ना, 10^-13 अभी है ना, -13। एक बार मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, एक मिनट। इसको 0.06 का होल स्क्वायर मतलब दो बार लिख सकते हैं अपन इसको, टू इंटू 0.03। ये एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ मैं, ये दोनों 0.06 होगा तो एक इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो वहाँ पर हमारे पास बच जाएगा केवल 1.414 मल्टीप्लाई बाई 6.9 डिवाइडेड बाई 0.06 एक बचा हुआ है 162.61 ब्लैक में ही लिखूं है ना, 162.61 इंटू 10^-13 दो डेसिमल इधर कर दूं तो 1.62 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, इंटू 10^ दो डेसिमल इसमें प्लस 2 करूंगा तो -11। क्या आंसर दिया है, इतना टेस्ला, ठीक टेस्ला, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर ये इसके साथ में एक कैंसिल आउट हो गया और ये तो फिर आसान हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 0.06 को डिवाइड करोगे, इतना आएगा 10^-13, ठीक है। तो ये है इसका फाइनल आंसर, ओके। ये क्वेश्चन हो गया हमारा और सी इसका कैलकुलेशन, इस तरह से क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ये क्वेश्चन नंबर 8.3। 10^-10 मीटर तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश तथा 500 मीटर की रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मासम। ये तो डायरेक्ट ओरल क्वेश्चन है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स नहीं है, एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ इसको, इतने मीटर का एक्स रेज एक्स किरण है, इतने तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण है और 500 मीटर की रेडियो तरंग है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जब ये विद्युत चुंबक की तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इसका लाइट में जो वेलोसिटी होता है वो 3 इंटू
3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि विद्युत चुंबक की तरंगों का जो चाल है वायु निर्वात में जो चाल है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो चूंकि सब के सब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो उनका लाइट में क्या होगा जो स्पीड है सेम रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चाल, चाल समान हो गए। क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम, स्पीड इज सेम, दिस इज द आंसर। ये तीनों का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये तो मल्टीपल चॉइस या फिर कॉम्पिटिटिव में पूछने लायक क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा। तो दे आर स्पीड आर सेम बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चूंकि ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इसलिए इनकी प्रकाश में चाल बराबर होगी, इसलिए स्पीड ये सब में तीनों में समान होगा। ओके, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है, इसके विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश की दिशा के बारे में बताइए। ये बताइए बोलता है, आपको चैप्टर में मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया है, यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। ठीक है, ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स वेक्टर्स। देखो, पहले मैं डायरेक्शन के बारे में आपसे डिस्कस कर लूं, तो सपोज ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, तीसरा एक्सिस है। क्लियर? दिस इज सपोज जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स का सुपर इम्पोजिशन होता है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये डायरेक्शन होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो बोलता है एक समतल वैद्युत चुंबकीय में जेड अक्ष के अनुदिश चल रहा है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स जेड एक्सिस है, इसके विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताइए। तो दे आर एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पहला आंसर हो जाएगा एक्स वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस में क्या होंगे, ट्रेवल करेंगे, क्योंकि तो दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में लंबवत होते हैं। क्लियर? तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। एंड नाउ सेकंड पार्ट इज, यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज हो, क्वेश्चन में गिवन है कि इसके तरंग की आवृत्ति, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह 30 MHz, दैट मीन्स 30×10⁶ हर्ट्ज। क्लियर? इतना हर्ट्ज है। तो क्वेश्चन में बोला है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। ठीक है, तरंग दैर्ध्य लेमडा का फार्मूला होता है C=νλ। ठीक, देखो फार्मूला क्या होता है, C=νλ होता है। प्रकाश की जो चाल है वह उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बोला है यदि तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, लेमडा ज्ञात करने बोला है। तो देयरफॉर लेमडा इक्वल टू C/ν, दैट इक्वल वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड कितना होता है, 3×10⁸, और न्यू का वैल्यू ये है 30×10⁶। इसको हम सॉल्व कर लें तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 का पावर तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ऊपर जाके बनते हो जाएगा 10 मीटर में दिया है, 10 मीटर। क्या आंसर आता है इसका, 10 मीटर। ओके, दिस इज द आंसर। तो बहुत आसान है ये इस फार्मूला का यूज़ होगा, C=νλ। यहाँ पर जो फार्मूला यूज हुआ ये है C=νλ। ठीक है, बस बाकी फर्स्ट आंसर ये है एक्स वाई एक्सिस। ओके, क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5, एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज इसी फार्मूला पर बेस्ड है, बैंड की किसी स्टेशन से समत्वरित हो सकता है, संगत तरंग दैर्ध्य बैंड क्या होगा? ए रेडियो कैन ट्यून इन टू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज एंड 12 मेगाहर्ट्ज बैंड, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड? ओके, गिवन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में आपको गिवन है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वन कह दिया, सपोज इसको न्यू वन इक्वल टू दिया है 12 मेगाहर्ट्ज, दैट मीन्स 12 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। अब सिंस सी इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, तो तरंग दैर्ध्य पूछा है, सेम क्वेश्चन जो भी हमने अभी बनाया है सेम क्वेश्चन है, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू सी अपन न्यू वन, लेमडा वन कह देते हैं, तो यह हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपन 12 इंटू 10 टू द पावर 6, दैट इक्वल डिवाइड करके देख लो इसको कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 पावर 8 अपन 12। फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? अच्छा, फर्स्ट का 7.5 दिया है, पहले कंडीशन में 7.5 दिया, ओके ठीक है, किसी को पहले किसी बात निकाल, वही निकाल लेते हैं अपन, फर्स्ट में एक्चुअल में 7.5 दिया हुआ है ना, चलो मैं इसको कैलकुलेटर साल्व कर दूं इसको, ये तो पावर जाके 2 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 7.5, 300 अपॉन 7.5, पहले तो हो जाएगा ये 300 अपॉन 7.5, दैट इक्वल इससे हम डिवाइड कर दें तो 40 मीटर, ये हो जाएगा 40 मीटर। आसान क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन किया सेम उसका रिपीट क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट है, एक बार 7.5 हर्ट्ज का, एक बार 12 मेगाहर्ट्ज का, ओके। नाउ सेकंड पार्ट इज न्यू टू इक्वल टू 12 मेगाहर्ट्ज, दैट इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, देयरफॉर लेमडा टू इक्वल टू सी अपॉन न्यू टू, दैट इक्वल 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर 6, दैट इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 2, इसको सॉल्व करें 0.25 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 25 मीटर, ये 0.25 होगा, 0.25 मल्टीप्लाई होके 20.5 मीटर, तो इसका विड्थ जो होगा एक तो 40 मीटर का होगा और दूसरा कितना होगा 25 मीटर का होगा, ओके। तो ये फार्मूला बेसिकली इसमें यूज करना है, सी इक्वल टू न्यू लेमडा, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया, ये छोटे छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं जो सीधा इस फार्मूला पर बेस्ड है, ओके, ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक आवेशित कण अपनी माध्य साम्यावस्था के दोनों ओर 10^9 हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है, दोलक द्वारा जनित विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति क्या होगी? ओरल आंसर है दैट इज आल्सो 10^9 हर्ट्ज, क्यों? इसका आंसर यही होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन का आपको सॉल्व करने जरूरत नहीं है, इसलिए होगा क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑक्सीलेट करता है, ठीक है, ए चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट अबाउट इस मीन पोजिशन विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10^9 हर्ट्ज, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड, जिस फ्रीक्वेंसी से उसके चार्ज वेव करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ऑक्सीलेट करता है, दैट मीन्स द ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज आल्सो 10^9 हर्ट्ज, तो डायरेक्ट आंसर इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ओके, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम 510 नैनो टेस्ला है, ये एन फॉर नैनो टेस्ला है, ठीक है, तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ ए हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
इन वैक्यूम इज 510 नैनो टेस्ला, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव? गिवन है बी नॉट इक्वल टू 510 एन टी, दैट मीन्स 510 इंटू 10^-9 टेस्ला। ओके, और क्या गिवन है? बस विद्युत क्षेत्र भाग का आयाम क्या है, तरंग विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है, ये अपने को पूछता है। देखो, हमको पता है फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट के साथ, सिंस c इक्वल टू होता है e नॉट अपॉन b नॉट, या e अपॉन b भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर हमको ये पूछा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आयाम, तो e नॉट इक्वल टू हो जाएगा c इंटू बी नॉट। क्लियर, ये फार्मूला आप ध्यान रखना, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सी इक्वल टू ई नॉट अपन बी नॉट, प्रकाश की चाल जोनों के अनुपात के बराबर होता है। विद्युत चुंबक की तरंगों का जो गुण मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके एक पॉइंट में है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेशियो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ से अपन कैलकुलेट करें तो देयर फॉर ई नॉट इक्वल टू 3×10^8 वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू हो जाएगा 510×10^-9। ओके, यहाँ से देखो ये वाला जीरो इसके साथ में ले लें तो 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5×3 ये 8 हो जाएगा, और ये भी 8 हो जाएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई होके, ये जीरो के साथ में, या ये 9 हो जाएगा, एक ही मतलब है, तो ये हो जाएगा तो 3 और 153। क्लियर, कितना आंसर आया? 153 न्यूटन पर कूलम, दिस इज फाइनल आंसर, ये हो जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस फार्मूला पर बेस्ड है, सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आसान है। इधर एक समतल ईएम तरंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग में विद्युत चुंबक विद्युत क्षेत्र 2×10^10 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 48 वोल्ट पर मीटर से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। तीन क्वेश्चन पूछा है इसमें, तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है, अभी निकाले हो, बार बार आप तरंग दैर्ध्य निकाल रहे, वेव लेंथ ये पूछा है। सेकंड, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है, ये बी नॉट पूछा है। यह दर्शाइए कि ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व बी क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व के बराबर। ओके, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको प्रूफ करना है एक तरह से, ये जो सी वाला पॉइंट है ये प्रूफ करने वाला पॉइंट है कि इसका जो ऊर्जा घनत्व है, किसका, विद्युत क्षेत्र का, वह चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व के बराबर है। इंग्लिश में देखो, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट्स साइमल्टेनियसली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2×10^10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड इज 48। व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड दिस, दोनों को प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लिख लें गिवन, हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस हर्ट्ज, माने इसकी फ्रीक्वेंसी दिया है न्यू 2×10^10 हर्ट्ज, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर, और गिवन क्या है, 2×10^10 हर्ट्ज लाइट के वेलोसिटी इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर। ओके, स्पीड ऑफ लाइट का जरूरत पड़ेगा, यहाँ दिया है क्वेश्चन में C=3×10^8 C=, ये तो नहीं देता तो भी अपन लिखते इतना, ये क्वेश्चन में ना भी दे तो हमको स्पीड ऑफ लाइट इतना लिखना ही है। 48 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, ये हो जाएगा ई नॉट का वैल्यू 48 वोल्ट मीटर इनवर्स, ये गिवन है, इतना वैल्यू गिवन है। और पहला क्वेश्चन है
वेवलेंथ। तो फर्स्ट पार्ट यहीं पर सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट पार्ट को वेवलेंथ निकालता है। तभी हमने पढ़ा है c इक्वल टू न्यू लेमडा, बार बार यूज हो रहा है इस फार्मूला का, ये 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी दिया है 2 × 10⁻¹, 2 × 10⁻¹। तो 3 में डिवाइड करेंगे 2, ठीक है, और 10⁻¹ ये, तो ये डिवाइड करने से आ जाएगा 1.5 × 10⁻²। 3 में 2 डिवाइड करेंगे तो 1.5, और ये ऊपर जाके इसके साथ में माइनस होगा, ये पावर 10 है ना, ध्यान रखना पावर 10 है, कंफ्यूजन मत हो जाए, पावर 10। तो 8 में 10 माइनस होगा, 8 − 10 तो हो जाएगा 10⁻²⁰ मीटर। ये फर्स्ट आंसर, तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ ये, दिस इज द फर्स्ट आंसर ए। आगे फिर मैं इसको सेकंड पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट पूछता है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक फील्ड पूछा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अभी हमने पढ़ा है c इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, देयर फॉर बी नॉट, ये तो इसको ट्रांसफर कर दें, ई नॉट अपॉन सी, दैट इक्वल ई नॉट हमको क्वेश्चन में गिवन है, ई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 48, क्लियर 48, ई नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 अपॉन ये हो जाएगा 3 × 10⁸, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 × 10⁸, या 1 decimal लगा लें तो 1.6 × 10⁹, कितना आंसर आया, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे ना तो ये -8 होगा तो +1 होगा तो ये -7 हो जाएगा, -7 में आंसर आया हो, ओके सही है, 10⁻¹। न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ध्यान नहीं दिया इसको, -8 हो जाएगा और डेसिमल को एक प्लस इधर खिसकाएंगे तो इसमें +1 होगा, +1 होता है तो 1.6 × 10⁻¹। दिस इज द सेकंड आंसर, ये दूसरा आंसर है बी का। और सी पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका जो पूछा है सी पार्ट में, वो पूछा है औसत ऊर्जा घनत्व। औसत ऊर्जा घनत्व में संबंध निकालने के लिए आपको एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूला आप ध्यान में रखना, ठीक है, चैप्टर के अंदर ये फार्मूला आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो फार्मूला ध्यान रखना, यू ई इक्वल टू होता है 1/2 ε₀ E²। यू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एनर्जी है वह 1/2 ε₀ × E₀² होता है, ये ध्यान रखना, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला हो जाता है 1/2 β₀² / μ₀। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के लिए 1/2 ε₀ E₀² और मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी के लिए 1/2 ये होता है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं ये प्रूफ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना। तो इसके लिए हम किसी एक पार्ट को ले लेते हैं, सिंस हम इसको ले लिए, यू ई इक्वल टू ले लिया 1/2 ε₀ E₀² ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखो ε₀ और E₀ में कुछ रिलेशन है, इसमें हमको उसको B के फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ से देखो ये रिलेशन, देखो इस रिलेशन से आप देखो ये ε₀ का जो वैल्यू है उसको C × B₀ लिख सकते हैं, तो दैट इक्वल 1/2 ε₀ और इसको हमने लिख दिया C × B₀² होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से E₀ मतलब E इंटेंसिटी ऑफ E C × इतना हो जाएगा, तो C × इतना हमने पुट कर दिया। अब हमको पता है एक फार्मूला, बट C = 1/√μ₀ × ε₀ होता है, प्रकाश की चाल जो है 1/√μ₀ε₀ के इक्वल होता है, ये हमको मालूम है। इस वैल्यू को या इसको हम C² लिख दें तो C² = 1/μ₀ × ε₀ हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यदि आगे उस पर पुट अप कर दें
ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर दे क्योंकि सी का स्क्वायर है, तो हो जाएगा देयरफॉर यू ई इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये जो सी स्क्वायर है इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा बी नॉट का स्क्वायर। देयरफॉर यू ई इक्वल टू 1/2 ये एप्सिलॉन नॉट के साथ में कैंसिल हो जाएगा तो 1/μ0 इंटू बी नॉट स्क्वायर। और मैंने यहाँ आपको फार्मूला पहले बता दिया था, देखो कि यू बी का जो फार्मूला होता है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन यू नॉट होता है। तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू ई इक्वल टू लिख सकते हैं यू बी, ये प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा इस तरह से। यहाँ देखो यू ई जो है यू बी के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इंटेंस इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एनर्जी है वह मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर पूरा न्यूमेरिकल्स। एक आध न्यूमेरिकल्स जो थ्योरेटिकल टाइप का था उसको हमने इसमें से नहीं किया। तो देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के न्यूमेरिकल में आपने देखा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन पर बेस्ड है, ज़्यादा फार्मूला नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में कोई फार्मूला डेरिवेशन नहीं, थ्योरेटिकल चैप्टर है। थ्योरी में भी ऐसे भी इसमें स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद जो न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पर स्टार्ट होगा, और आप लोग को बहुत स्वाभाविक रूप से कुछ शिकायत तो मेरे से होगी क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल को बहुत लेट किया, कुछ मेरी व्यस्तता भी रही और थ्योरेटिकल पोर्शन को मैंने पहले कंप्लीट किया। लेकिन अब आपको न्यूमेरिकल्स में कंटिन्यूस प्रोवाइड कराऊंगा, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अब हम इसके सेकंड पार्ट में एंट्री करेंगे ऑप्टिक्स में, फिर हम प्रकाश के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और आगे मॉडर्न एंड फिजिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑप्टिक्स है, प्रकाश है, जिसमें रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू।